हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक सॉल्यूशन गेम में। आज की वीडियो हम बात करने जा रहे हैं क्यूलेट टीवी के बारे में, जो कि हमारी सैमसंग द फ्रेम क्यूलेट टीवी जो आपके आप सामने देख रही है बॉक्स में, जो कि इसमें आपको देख सकते हैं क्यूलेट टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये है। और आपकी क्यूलेट ओलेट टेक्नोलॉजी आती है तो सैमसंग में जो बेसिकली है क्यूलेट टेक्नोलॉजी आती है, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं सैमसंग की द फ्रेम। ये काफ़ी मतलब ये वॉल से बिल्कुल ही चिपक जाती है, आपको जैसे फोटो फ्रेम की तरह होती है उसी तरीके से ये टीवी आपको लगेगी। इसके साथ फ्रेम भी आते हैं तो आपको मैं आगे दिखाऊंगा वीडियो, इसमें जाके तो देख लीजिएगा। और बाकी यहाँ पे देख सकते हैं इसका बॉक्स काफ़ी बड़ा है और ये आपकी 55 इंच की टीवी है, ठीक है ना, 55 इंच 138 सेंटीमीटर इसमें लिखा हुआ है 55 इंच। गोइंग ग्रीन, ये अपना कार्डबोर्ड वगैरह गोइंग ग्रीन है, उसको स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी क्वान्टिटी वगैरह जितनी भी मैनुफैक्चरिंग डेट वगैरह है वो सब यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर जो प्राइस लिखी है उसमें मत जाना, ये प्राइस तो का ऐसे ही लिखा है, और इसकी जो प्राइस है वो बेसिकली आपको 80 के आसपास मिल जाएगी, आपको इसके लगभग ही मिलेगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें क्वांटिटी वगैरह क्या है, जो भी आपके बॉक्स के अंदर आइटम है वो है इसके अंदर, ठीक है, ये लिखा है आपका। और यहाँ पे देख सकते हैं आप इसका मॉडल नंबर वगैरह देखा है, कोड नंबर दे रखा है, इनपुटेड वोल्टेज वगैरह जो भी है, सीरियल नंबर वगैरह यहाँ पर दे रखे हैं मेड इन इंडिया, ठीक है। और इसके अंदर देख सकते हैं, चलिए फिर इसको ओपन करते हैं। हमारी जो है टेक्नीशियन बोल सकते हैं या फिर जो अपने बोल सकते हैं मैकेनिक, वो आ गए हैं अपने इंस्टॉलेशन के लिए, जो कि सैमसंग की तरफ से ही आते हैं। आपको जो है जहाँ से बाय करती है वहाँ पे आपको डिटेल्स दे देते हैं, अपना एड्रेस बता दी, वहीं पे आ जाओ आप, ऑटोमेटिकली लोग आ जाते हैं कुछ दिनों में या फिर उसी दिन आ जाते हैं जब जिस दिन आप टीवी खरीदते हैं। और ये आपका वन कनेक्ट है, ये देख सकते हैं आप, इसमें जो है ये लोग कुछ लगा रहे हैं, ठीक है, ओके। तो ये अपना ये सामान देख सकते हैं, ये अपना बॉक्स में जो है ये निकला हुआ है। और अनबॉक्सिंग का मैंने ऐसी वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाया क्योंकि मैं अकेला ही हूँ, तो इतना काम नहीं हो पाता है वीडियो बनाने का। तो बाकी लोगों ने जो अपने स्टैंड जो है इसमें लगा दी है, ये बिल्कुल वॉल माउंटेड स्टैंड है, बिल्कुल दीवार से ही सटे हुए रहते हैं। ये अपना वन कनेक्ट है, इसमें जो है अलग ही चीज़ है, आपको मैं बताता हूँ। इसमें टीवी के अंदर कोई भी वैसा फंक्शन नहीं रहेगा, कोई HDMI लगाना ये सब लगाना, इसमें जो भी फंक्शन रहेंगे वो एक वन कनेक्ट जो आपका एक बॉक्स रहेगा, यह बॉक्स मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या है, उसके उससे ही जो आपका जो है पूरा कनेक्टिविटी रहेगी, ठीक है। तो टीवी तक सिर्फ एक सिंगल वायर जाएगा, जो कि इसमें ऑप्टिकल वायर होगा और एक कुछ मेटल का मेटल एलिमेंट का कोई भी वायर है वो गया है, और एक ऑप्टिकल वायर, तो इन दोनों से जो है अपना पूरी टीवी जो है चलने वाली है। तो चलिए आपको दिखाते हैं ये क्या चीज़ है। तो यही आपका जो है वन कनेक्ट है, ये आपको एक बॉक्स मिलेगा, इसको अलग से रखना है, इसी में आपको पावर सप्लाई देनी है। आपको पावर सप्लाई टीवी में जो अपना है जो फ्रेम है उसमें नहीं देनी है, इसी में आपकी सप्लाई आएगी, इससे जो है टीवी में जाएगी आपकी सप्लाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें आपको 4 HDMI पोर्ट दे रखे हैं, और आपको बाकी जितनी भी फंक्शंस हैं वो दे रखे हैं यहाँ पे, टीवी वगैरह लगाने वाले डिस्क एंटीना वाले सारे दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और इसमें ऑप्टिकल आपको साउंड दे रखा है, ऑप्टिकल इनपुट भी आप इसमें लगा सकते हैं। चलिए आपको ऑल क्रूजर व्यू दिखाता हूँ, देखिए डिजिटल आउट ऑडियो आउट, और इसमें लेन दे रखी है अपन, इथरनेट केबल भी लगा सकते हैं, और वाईफाई के थ्रू तो अपन इसमें कनेक्ट कर ही सकते हैं, ब्लूटूथ वाईफाई सारे साउंड कनेक्टिविटी इसमें सारी हैं, साउंड बार के थ्रू भी कनेक्ट हो जाएगा, HDMI से भी कर सकते हैं, ऑप्टिकल से भी कर सकते हैं, ब्लूटूथ से भी कर सकते हैं, अपना साउंड बार या कोई भी साउंड सिस्टम होम थिएटर्स वगैरह हैं वो सब। और इस बॉक्स के अंदर ये अपना जो है ये पॉलीथिन के अंदर जो आपको रिमोट्स वगैरह और जितनी भी वायरिंग केबल्स वगैरह होती हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगी। तो इसमें देख सकते हैं ये अपनी वायरिंग दे रखी है, जो टीवी वगैरह में EV वगैरह यूज़ आती है, उसको दिखाएंगे अपन बाद में। और इसमें आपका साथ में वो भी दे रखा है क्यूलेट की जो ऑप्टिकल केबल है वो आपको दिखाएंगे भी बाद में, चलिए देखते हैं। तो ये देख लीजिए यहाँ पे आप क्यूलेट की रखी है, यहाँ पे एक HDMI रखी है, एक रिमोट रखा और एक ये रखा है, सॉरी HDMI नहीं, ये अपनी पावर कॉर्ड है जो कि अपनी टीवी में लगेगी। ये आपकी जो दे रही है वाइट कलर की वो केबल है जो कि आपको टीवी से इस बॉक्स में कनेक्ट होगी। तो यहाँ पर जो है ना स्टैंड लगा दिए है जो कि वॉल में बिल्कुल फिटेड रहती हैं, और ये जो हाँ वो ये केबल है, इसको जो आपको काफ़ी अच्छे से रखना है, अगर ये बैंड हो जाती है या टूट जाती है तो आप इसको जो है कोई भी वारंटी में नहीं आती है, तो उसको आपको संभाल के रखनी है। ये केबल को जो दिख रही है इसी केबल से जो आपको जो पूरी टीवी है चलने वाली है, क्योंकि वो बॉक्स से कनेक्ट रहेगी टीवी के अंदर से। आपके जो है LED क्यूलेट का सिस्टम है, पूरी जो सिस्टम है आपकी प्रोसेसिंग वो पूरा आपको जो बॉक्स दे रखा है अलग से उसी में होगा। ये आपका रिमोट दे रखा है सैमसंग का, जिसमें कि ये सोलर चार्जेबल है, और आपका जो सी टाइप अपना जो चार्जर आता है उससे भी चार्ज हो जाएगी, फास्ट चार्जिंग से भी चार्ज हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उससे भी चार्ज कर सकते हैं, नॉर्मल चार्जर से भी कर सकते हैं, बस सी टाइप होना चाहिए। देख लेते हैं अब सैमसंग का, और इसमें मैंने जो है अपना एक साउंड बार भी लगाया है, जबरन का Dolby Atmos, ठीक है,
और इसी साथ ही अपनी टीवी जो है कनेक्ट है, ब्लूटूथ से भी हो जाएगी और बाकी भी सबने मेरे को बताया था। ये आपका अमेजोन अलेक्सा, इसमें गूगल असिस्टेंट वगैरह, इसमें आपको आईडी लॉगिन बनानी करनी पड़ेगी, आपको आईडी बनानी पड़ेगी गूगल, सॉरी गूगल की तो आपकी होगी तो वो लॉगिन कर सकते हैं, और सैमसंग की भी आपको बनानी पड़ेगी तो वो भी इसके अंदर लॉगिन कर सकते हैं। चलिए फिर टीवी को जो है स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फिर इसके अंदर क्या क्या है। टीवी की क्वालिटी वगैरह जो अपना सेटअप वगैरह वो देख सकते हैं, पूरा बिल्कुल वॉल से जो है सटी हुई रहती है, जिससे कि आपको ऐसा लगेगा कि फोटो फ्रेम है आपका, कोई भी फोटो फ्रेम जैसी वॉल से नहीं। ये आप देख सकते हैं हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, सैमसंग टीवी प्लस। इसमें सैमसंग टीवी प्लस में आपको 21 चैनल्स आपको सैमसंग के प्लस सैमसंग की तरफ से आपको फ्री मिलेंगे, वो आप इंटरनेट लगा हुआ अपने टीवी में तो वो चल जाएगा। ओके गूगल जी, अपनी एलेक्सा गैलरी और ये ठीक है, तो सैमसंग टीवी प्लस का भी आपको इसमें बेनिफिट मिल जाता है। बाकी इसका रिमोट देख सकते हैं आप, इसमें देखिए, हाँ देखिए आपका ये सी पॉइंट चार्जर देख सकते हैं और ये सोलर चार्जर है, आप इसको धूप में रखिए तो ये चार्ज हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो आप धूप में ना ही रखें तो सही है, क्यों फालतू में इसको धूप में रखें, गर्म करें। आप सिंपली जो है इसमें कर दीजिए 20 मिनट पर अपना जो पूरा चार्ज हो जाएगा और आपका चलता रहेगा काफ़ी दिनों तक। वैसे इतनी जल्दी जो है डिस्चार्ज नहीं होता, ऊपर करने से और नीचे करने से आपके जो है वॉल्यूम डाउन होता है, अप डाउन होता है। और ये बैक बटन है, ये होम बटन है और ये बाकी सारे म्यूज़िक वाले सिस्टम के, और ये अपनी एरोज वाले 1 2 3, और इसमें जो आपका माइक दे रखा है तो माइक से आप ईजिली एसेस कर सकते हैं। आपका हिंदी बिल्कुल आराम से ये सुनता है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझता है। तो ये आपका सिस्टम है और ये आपके टीवी के पास चलते हैं। चलिए फिर और आगे दिखाते हैं आपको क्या है। तो ये देखिए, मैंने जो है थोड़ा सा धूप में इसको रखा देखा था कि ये चार्ज होता है कि नहीं, तो मैंने इसको धूप में रखा है। अब ये जो है यहाँ पे थोड़ी सी धूप आ रही है तो आप ये देखें रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है देख सकते हैं आप धूप का। तो ये ही जो है आपको उसको धूप में रख के इसको चार्ज कर सकते हैं। एक पैनल लगा हुआ है छोटा सा, उससे ये रिमोट जो है चार्ज हो जाएगा। और इसकी डिटेल्स देख सकते हैं आप, इसमें आपको डिटेल्स पढ़ी तो पॉज करके देख लीजिए, मैंने इतना वो फास्ट दिखाया तो उतना कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो आप उसको पॉज करके देख सकते हैं। बाकी आपको जो भी समझना हो रिमोट के बारे में, रिमोट बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको जो शॉर्टकट्स बटन भी दे रखे हैं नेटफ्लिक्स के, अमेजन प्राइम के और सैमसंग टीवी के, और यहाँ पे नो प्रॉब्लम, ठीक है। और यह वीडियो क्वालिटी देख सकते हैं, इसमें एलिफेंट देख सकते हैं आप, ये जो वीडियो क्वालिटी 4K में होगी ये वीडियो, क्योंकि मैं यूट्यूब पे चला रहा हूँ तो 4K में ही इसमें चलती है, क्योंकि मैंने जो है अपना इसमें कनेक्शन ले रखा है अपना एथरनेट का, एथरनेट से नहीं चलाता हूँ सॉरी एथरनेट से जो है टीवी में नहीं लेता हूँ, क्योंकि इसमें जो है कभी कभी दिक्कत हो सकती है। आप वाईफाई से ही चलाएं तो बेटर रहेगा, जियो का वाईफाई, एयरटेल का, जो भी आप यूज़ करते हो BSNL का, वो आप उससे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये देख सकते हैं आपको, देखिए क्वालिटी देख सकते हैं आप इसकी, ये जो वीडियो है 8K में भी दे रखी है, लेकिन अब जो है 4K सपोर्टेड टीवी है तो 4K ही इसमें चलेगा। तो 4K टीवी या तो 4K वीडियो चल जाती है, इसमें YouTube चल जाता है, नेटफ्लिक्स, सारी इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, काफ़ी ईजिली तरीके से जो है इसमें वर्क करता है। और इसका जो OS है, जो इसमें सिस्टम दे रखा है आपका एंड्रॉइड वायर रखे हैं, सैमसंग का खुद का सिस्टम है, खुद का वेब OS होता है इनका, तो वो इसमें इंस्टॉल्ड है और उसमें जो है आपको आराम से चल जाता है। और आपको जितनी भी एप्लीकेशन है हॉटस्टार वगैरह, ये अल्ट वाला जी, जितनी भी अपनी G5 वगैरह, वो आपको सारी मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आप आपके यहाँ जियो फाइबर का कनेक्शन मिलता है तो आप वो ले लीजिए, आपको वहाँ से भी टीवी वगैरह मिल जाएगा। बेसिकली मैं तो यूट्यूब देखता हूँ तो यूट्यूब का ही जो है अपना सिस्टम चालू है। तो आप इसमें क्वालिटी देख सकते हैं, ये मैंने जूम करके दिखा दिया अपने मोबाइल से कि ये जो आपको देख सकते हैं, देखिए। तो टीवी में कोई दिक्कत नहीं है, टीवी की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, क्यूलेट की नो प्रॉब्लम, ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी है, आपको हाई ब्राइटनेस पे देखना, हाई ब्राइट देख सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन है। तो जो आपको वीडियोस देखनी है, आपको नेक्स्ट वीडियोस और भी आएंगे, जिसमें आपको पूरी डिटेल्स में आपकी सेटिंग्स बताऊंगा, पिक्चर्स क्वालिटीज बताऊंगा कि कौन सी क्या लेनी चाहिए, तो वो आपको मैं सारी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारी इसमें इन्फॉर्मेशन अभी रह गई है, इस वीडियो में कवर नहीं हो पाई, वो आगे वाली वीडियो में कवर करूंगा मैं इसकी फीचर्स के बारे में पूरे, ठीक है। अभी तो आप जो है टीवी का लुक देखिए, इसकी क्वालिटी देखिए, ये देख सकते हैं यहाँ पे, आप इसको पॉज करके भी देखेंगे तो आप जो भी ये डॉटर्स दिख रहे हैं वो भी आप जो है इसको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी बढ़िया है।
टीवी जो है एक नंबर है, आपको पसंद आ जाएगी एक ही नज़र में और आप जो है इसको लेके ही मानोगे। और ये आपको बहुत ही बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइस में आपको जो है मिल जाती है। अगर आप इसको ऑनलाइन लेते हो तो ऑनलाइन में आपको थोड़ा मिल सकता है महंगा, लेकिन आप ऑफलाइन लोगे तो ऑफलाइन में आपको जो है डिस्काउंट्स वगैरह मिल जाएंगे। आप क्रेडिट कार्ड पे लेंगे तो क्रेडिट कार्ड पे भी मिल जाएंगे आपको डिस्काउंट वगैरह। और भी ये लोग जो है डिस्काउंट देते हैं अपने सैमसंग वाले, आप शोरूम पर जाइए या फिर कोई भी कैफ़े वगैरह में जाइए सैमसंग के, वहाँ पर आप जो है पता कीजिए, आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी और अच्छी प्राइस में आपको ये मिल जाएगी। और यहाँ पर देख सकते हैं आप बिल्कुल शानदार तरीके से चलती है। अगर इसको पॉज कर देंगे तो बिल्कुल आपको ये लगेगा कि हाँ ये फ़ोटो फ्रेम लगा हुआ है, बिल्कुल फ़ोटो फ्रेम की तरह ही ये आपकी टीवी है, ठीक है। और देख सकते हैं आप कितनी शार्प क्वालिटी है, मतलब इसमें जो है आपको अगर आप इसके सामने ओलेड भी रखेंगे ना, ओलेड टीवी एलजी की है कोई भी कंपनी की, तो आपको इतना फ़र्क नहीं मिलेगा। बस ब्लैक कलर का आपको मिल सकता है, बाकी जो है सिमिलरिटी है, मतलब थोड़ा बहुत अंतर है लेकिन काफ़ी अच्छा है, मतलब ओलेड की कंपेरेबल है इस टीवी को, मैं मान सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ओलेड का अलग ही लेवल है, ओलेड जो आपको काफ़ी ज़्यादा ही कलर एनहेंस दे देती है, एक अल्ट्रा विज़न डॉल्बी विज़न वो अलग ही है, पर इसमें आपको जो है काफ़ी सही चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसके अंदर आपको 4K मिलता है और डॉल्बी विज़न तो नहीं है इसके अंदर, बाकी HDR वगैरह सपोर्टेड इसमें मिल जाता है आपको। डॉल्बी विज़न आपको सिर्फ ओलेड में ही मिलता है, इसमें क्यूलोड वगैरह में नहीं है। डॉल्बी एटमॉस वगैरह जो साउंड है वो तो सबको मिली जाती है आपको नॉर्मली, होम थिएटर वगैरह का यूज़ करिए वो बेटर रहता है अगर आपको म्यूज़िक सुनना है। अगर आपको कोई भी क्रिकेट वगैरह सीरियल वगैरह देखें तो आप सिंपली टीवी के साउंड भी सुनिए। अगर आपको म्यूज़िक सुनना है तो म्यूज़िक के लिए मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप एक होम थिएटर ही परचेज़ करें, जिसमें आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा आपकी टीवी के साथ, तो आपकी क्वालिटी और भी अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं जिराफ वगैरह को, अभी मैं को और भी चीज़ें दिखाऊँगा आपको उसके अंदर की क्या क्या, आपको बिल्कुल पिक्सल रिलेटेड बताऊँगा आपको कैसे क्या होना है, ठीक है। तो चलिए बने रहिए आप वीडियो में और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए नहीं जाना। तो ये आप देख सकते हैं इसका जो फ्रेम है, ये बाद में आया था तो उसी दिन नहीं मिला था, ये बाद में मिला है। और ये फ्रेम जो है आपको मिला है, ये फ्री मिला है, इसके साथ फ्री मिलता है ये फ्रेम, टीवी के साथ फ्रेम आता है। जैसे फोटो फ्रेम रहता है उसके साइड साइड में ये टीवी के बेजल्स होते हैं, बेजल्स पे जो है ये लग जाता है, फिटेड हो जाता है। तो उसकी जो है अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो खोलते हैं उसको, देखते हैं और उसके अंदर क्या क्या आपको अनबॉक्सिंग देती है इसकी सैमसंग की तरफ से। और ये मेड इन कोरिया है, सिंपली मैं आपको बता देता हूँ ये कोरिया से है, देखो इस पर लिखा है मेड इन कोरिया, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हो और रोटेट भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये कोरिया का बना हुआ है और क्विक एंड ईजी इंस्टॉलेशन है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको फ्रेम लगाना है बिल्कुल, बेजल्स भी चिपकाने हैं, तो उसको आप देखते हैं, चलिए ओके। तो अनबॉक्सिंग हो जाती है इसकी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर देखते हैं क्या मिलता है। हाँ तो यहाँ पे एक क्विक गार्ड इंस्टॉलेशन तो मिलती ही है, उसके अंदर आपको बताया हुआ था कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है, पर वो तो कोई नहीं पढ़ता है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं ऊपर ही ऊपर। तो इसको रखते हैं साइड में, और आपको देखना हो तो आप पॉज करके देख सकते हैं, वरना तो मैं इसको साइड में रख रहा हूँ। और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बाकी सारे कार्ड वगैरह जितनी भी चीज़ें रहती हैं वो सब इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह वो सब हैं, उनको रीड नहीं करते, उनको साइड में रखते हुए आपको निकालते हैं अपने जो फ्रेम के जो बेजल्स हैं जो अलग से आपको फ्रेम लगाने हैं वो हैं। तो ये देख सकते हैं इसके अंदर पॉलीथिन में, और ये देख सकते हैं इसमें लिखा है सैमसंग की बेजिंग, और ये आपको वुड कलर का है जो अपनी लकड़ी होती है उसी की तरह है। इसमें दो तीन आएंगे, अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करोगे ना तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगे, अगर आप सिंपली वैसे करोगे तो आपको कम मिलेंगे, समझ रहे हैं। तो ऑनलाइन परचेज़ करने में आपको बहुत सारे फ्री मिल जाएंगे, पर आप ऑफलाइन करोगे तो आपको एक दो फ्रेम ही देंगे वो, बाकी वो नहीं देते हैं, तो उसका आपको जो है वो देखना पड़ेगा। बाकी मैं आपको बेजल्स दिखा देता हूँ, तो ये आप जो है बेजल्स देख रहे हैं, ये टीवी के बेजल्स हैं, तो इसको आप क्लियरली देख सकते हैं बिल्कुल ही। तो आप यहाँ पे जो है क्यूली टीवी के पिक्सल देख सकते हैं, ये ब्लू कलर के जो है कोई भी डिस्प्ले पिक्चर्स हो रही होगी तो उसका जो है ये पिक्सल आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी मैंने जो है जूम करके दिखाई है। तो इन्हीं पिक्सल से जो है आपकी जो है वीडियो बन जाती है, अगर इनको जूम इन करते हैं तो आपको ये पिक्सल दिख जाते हैं, अगर जूम आउट करते हैं दूर से देखते हैं तो यही पिक्सल आपको एक पिक्चर के थ्रू दिखाई देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जीवन लुटियाल की जो टी शर्ट थी उन पर हमने जो है अभी जूम इन किया था, वो आपको दिखाई दे रहा था। ये जब टी सीरीज़ का लोगो है उसका है, तो इसमें भी आप जो है काउंट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितने जो है अपने पिक्सल्स हैं वो दिख रहे हैं, कितने अच्छे शार्प दिख रहे हैं। वाइट पिक्सल तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल LED बल्ब ही जल रहे हैं, और ये ब्लू पिक्सल्स हैं, आपको उनको भी काउंट कर सकते हैं। इन्हीं को जो है अपन दूर से देखते हैं तो एक पिक्चर्स आपको दिखने को मिल जाती है, और पास से देखते हैं तो आपको ये वो सिंपली क्यूलेट की जो LED है, LED बल्ब रहते हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। बस वीडियो में इतना ही है आपको मैंने बता दिया है, और वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना और सब्सक्राइब किए बिना तो नहीं जाना। ये इसका ज़्यादा ध्यान रखना, ये केबल है, इस केबल का आपको बहुत ध्यान रखना और सेफ्टी रखना है, क्योंकि उसके अंदर ही ऑप्टिकल वायर और एक मेटल वायर गया है, उसी से आपके टीवी को पूरी पावर मिलती है, और जो वन कनेक्ट है वो आपको मैंने दिखाई दिया था उसी से आपको पूरा सप्लाई है, ठीक है। तो देख सकते हैं, थैंक यू।